बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल और शादोआबाद रखे। अल्लाह पाक तमाम लोगों की मुश्किलात को आसान फरमाए और सबको बरसरे रोज़गार रखे, आमीन। और आज सुबह का वक्त है और आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ। घर में खाना बनेगा मगर मैं नहीं बना रही हूँ। आज बहन आई हुई है तो बहन बहुत अरसे बाद आती है, तो आज बहन ने बोला कि अम्मा के लिए और सबके लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो आज वो कोरमा बनाएगी और मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी ज़रूर। तो और आज जो भी रूटीन रहेगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। और आज ये मेरी बच्चियाँ खाना बनाएंगी और मैं आज बैठ के खाऊँगी। तो आज देखते हैं ये लोग क्या बनाती हैं। बहन ने बोला है मैं कोरमा बनाऊंगी और बेटी से पूछूंगी वो क्या बनाती है। तो साथ बने रहिए, देखते हैं सब क्या खाना बनाते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं बना रही हूँ मम्मा पापा के लिए केक। तो ये सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास है मैदा, आइसिंग शुगर, पीसी हुई चीनी, अनसॉल्टेड बटर, बेकिंग पाउडर, कोका पाउडर, और हमारे पास मोल्ड भी है। आप किसी भी टाइप के शेप के मोल्ड में बना सकते हैं। और बटर पेपर है, हमारे पास हाफ कप मिल्क है और हम उसमें थोड़ा सा ही वाइट वेनेगर भी डालेंगे। और मेरे पास है मेजरिंग कप्स। तो आइए हम बनाते हैं। अब हम लोग डालेंगे एक कप मैदा। अब हम लोग डालेंगे एक कप आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी, अब हम लोग डालेंगे दो अंडे, अब हम लोगों ने ये हाफ कप दूध ले लिया है, इसमें हम लोग एक टेबलस्पून सिरका डालेंगे। और इसे हम 10 मिनट रखेंगे तो ये बन जाएगा बटर मिल्क। अब हम लोग डालेंगे बेकिंग सोडा फुल टीस्पून भर के, बेकिंग पाउडर। हम लोग डालेंगे हाफ कप कोको पाउडर। जितना ही हम लोगों ने मैदा लिया है उतना ही हम चीनी भी लेंगे और ऑयल भी लेंगे। ये मैं अनसॉल्टेड बटर डाल रही हूँ। और ये मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही हूँ। सब चीज़ को पैन में से सही से निकालो भी। हाँ जी, पूरा पूरा निकालो। जी जी। अब हम लोग डालेंगे जो हमने बटर मिल्क बना के रखा था, ये अब हम इस विस्कर से इस पूरे बैटर को व्हिप करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने अपना ये जो बैटर है इसे मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। ये मैंने पैन ले लिया था, अब मैंने इस पर ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है और अब मैं इस पर बटर पेपर लगा। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें बैटर सेटल कर दिए और ये मैं बना रही हूँ चूल्हे पे। आप बिना ओवन के भी इसे बना सकते हैं और मीडियम फ्लेम पे आप इसे बना लें चूल्हे पे। हमारी लाइट लेके बैठ जाते हैं आज। अभी फिर लाइट चली गई है, अच्छी खासी लाइट थी आज सुबह से। और अब बहन बना रही है कोरमा चिकन का, तो इसने चिकन और आलू साथ डाल दिए हैं। अब लहसुन अदरक और इसमें पैकेट का मसाला डाल रही है। आज मैं सिर्फ इन लोगों को गाइड कर रही हूँ और आराम से बैठी हुई हूँ। और इसमें अब ऑयल डालेगा।
हाँ जी, शाम बखैर, गुड इवनिंग, चाय टाइम मेरा, और मैं भी चाय भी पीऊँगी, और मेरी बेटी ने माशाल्लाह केक भी बनाया है, तो मैं केक भी चेक करूँगी। माशाल्लाह स्पॉन्जी केक है, बिल्कुल नरम केक है, और इसको मैं खाऊँगी अभी इस केक को। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा केक बनाया है, बहुत टेस्टी है, चीनी भी बराबर है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा केक बनाया है। थैंक यू। तो मैं एंजॉय करूँगी केक, और आप भी ऐसा बनाइए प्लेन केक, चॉकलेट केक, और अपने बच्चियों को सिखाइए, और खाइए, एंजॉय कीजिए। हाँ जी, रोल अच्छे हैं, पसंद आए आपको? अच्छे रोल, वो आप रास्ते में आते आते ना, मैंने कहा ले लूँ आपके लिए भी, सबने खाए तो जी। तो बहन बच्चों को भी छोड़ आई, और उनको भी डिनर करवाती हुई, फिर उनको घर छोड़ा, और इनके लिए भी, आसिफ साहब के लिए भी रोल लेती भी आई कि खाएंगे और खुश होंगे। हालांकि रात का खाना भी मैंने बनाया था, लेकिन फिर लेती भी आई कि ज़रा खुश हो जाएंगे, खाएंगे तो मज़े से खाया इन्होंने। और अब मैं अपना व्लॉग भी यहीं एंड करूँगी, अब सोने का टाइम है, और कल फिर एक नया प्यारे से व्लॉग के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।